नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार गणित बता रहा हूं। जी हां, गणित के कुछ संक्रियाएं हैं हमें आना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आ सकती है जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी गणित का उपयोग कर लेना तो बहुत बड़ी आफत से बच सकते हैं। जैसे यदि ये सेठ ने थोड़ा से भी गुना कर लिया होता, बस आपको 10 मिनट का समय लगता, 10 मिनट क्या लगेगा, उससे भी कम लगता, बस गुना कर लेना था लेकिन नहीं किया, और कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया ये सेठ आप देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक सेठ की पूरी दिवालिया निकलने का कहानी सुनाऊंगा, वो भी गणित के माध्यम से। जी हाँ, एक ठग था, मतलब चोर था, लेकिन चोर जो है गणित में माहिर था, और उतना भी माहिर नहीं था, बस थोड़ा सा माहिर था। क्योंकि हम किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जब पेश करते हैं ना तो सामने वाला वैसा ही समझता है, अरे हाँ, मतलब हम पूरा नहीं बताते हैं। गणित में ऐसा ही होता है कि गणित बोलते हैं ना, आज मैं गणित का जादू दिखाने वाला हूँ, तो वो जादू नहीं होता है, वो ट्रिक होता है। ऐसा ही देखिए, आज मैं आपको कुछ गणित बताऊंगा जो बहुत ही शानदार है। एक सेठ था और एक ठग था। वो ठग आया और सेठ के पास आया और उसने क्या कहा कि बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव को सुनकर सेठ ना एकदम मन ही मन खुशी हुआ कि इतना बड़ा बेवकूफ है ऐसा करके। उसका शर्त क्या था, ठग जो है, ठग ना चोर था, उस चोर ने कहा, सेठ जी मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रस्ताव लेकर आया हूं। तो सेठ ने कहा, क्या प्रस्ताव है? तो उस ठग ने कहा कि सेठ जी आज से मैं रोज आपको 30 तारीख तक रोज 1 लाख रुपए दूंगा और आप मुझे 1 रुपए देना बस, लेकिन शर्त यह है कि आज आप 1 रुपए दोगे तो उससे अगले दिन आप उसका दुगुना दोगे, उससे अगले दिन उसका दुगुना दोगे। तो सेठ ने क्या कहा, क्या आप जो ये कहना चाहते हो अगर मैंने आपको आज 1 रुपए दिया तो अगले दिन मैं आपको 2 रुपए दूंगा? ठग ने कहा, बिल्कुल हाँ। फिर उसके अगले दिन मैं आपको 4 रुपए दूंगा, बिल्कुल सही। फिर उसके अगले दिन मैं आपको 8 रुपए दूंगा, हाँ। तो सेठ ने क्लियर कर लिया, हाँ ये ठग कह रहा है कि ये शुरू दिन मुझे 1 रुपए देगा, उसके अगले दिन 2 रुपए, उसके अगले दिन 4, उसके अगले दिन 8, मतलब ये क्या करेगा, रुपए को केवल दुगुना करेगा, लेकिन शुरुआत में केवल 1 ही रुपए है। तो मन ही मन सेठ सोचा, रही इसका तो ज़्यादा रुपए होगा नहीं, है ना। तो उसने कहा, शर्त को मान लिया और इतना उतावला हो गया ना सेठ की बोला, तो आप बताइए आप कब से चालू करोगे? तो ठग ने कहा, जब से आप कहो मैं उस दिन से चालू करूंगा। तो सेठ ने कहा, आज से 2 दिन बाद, है ना, आज से 2 दिन बाद 1 तारीख है, तो आप 1 तारीख से चालू कर दीजिएगा। तो ठग क्या किया, जैसे ही 1 तारीख आया तो 1 तारीख के दिन क्या हुआ, 1 तारीख को आया तो 1 लाख रुपए दिया ठग ने किसको, सेठ को। फिर सेठ ने अपने गुल्लक से निकाला 1 रुपए का सिक्का और दे दिया, और मन ही मन बड़ा खुश था, वाह आज तो मुझे 1 लाख रुपए मिला, कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा मूर्ख है, ऐसा सोचा सेठ। फिर अगले दिन आया, ठग ने फिर उसको क्या किया, फिर 1 लाख दिया, और सेठ ने क्या किया, गुल्लक से बस 2 रुपए का सिक्का निकाला और दे दिया, हो गया। ऐसा प्रक्रिया चलता रहा। तीसरे दिन आया, तीसरे दिन 1 लाख दिया ठग ने, उधर से निकाला कितने रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए निकाल के दे दिया ठग को। ये प्रक्रिया चलते रहा। सेठ बड़ा खुश था, वाओ कितना बड़े बेवकूफ है, मुझे खुद आके 1 लाख रुपए रोज देता है, ये तो बैठा बुठाया मेरा कमाई बढ़ गया, इतना खुश हो गया सेठ। लेकिन क्या, जैसे ही दिन बढ़ता गया सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन तक सेठ इतना खुश, वाओ बहुत कमाई हो रहा है, लेकिन कहां पर उसको समझ आया कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो आइए मैं आपको गुना करके बताता हूं। यहां पर मैंने कुछ दिन लिख रखे हैं कि उसने कैसे, उसका दिवालिया निकल गया सेठ का। ये देखिए, सबसे पहले दिन आया तो 1 लाख रुपए तो दे दिया, तो ये उनके खुशी के दिन हैं, बहुत खुश था, तो यहां पर मैं उसके खुशी के दिन को लिख रहा हूं, फिर यहां पर उसका शांति भंग करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, 1 तारीख को सेठ ने उसको कितना रुपए दिया, 1 रुपए दिया, उसके बदले में उसको 1 लाख रुपए मिला, इसलिए देखो इसका चेहरा एकदम खिला खिला है, ठीक है। तो इसको कितने लाख मिला, 1 लाख रुपए मिल गया, एकदम खुश। दूसरे दिन आया तो इसका दुगुना, 2 रुपए दिया दूसरे दिन, है ना। फिर सेठ ने उसको फिर दिया, 2 रुपए दे दिया, ये 2 रुपए है, उसके द्वारा पुनः 1 लाख दिया गया, यहां पर 1 लाख दिया गया। फिर तीसरे दिन फिर आया वो ठग जो है, तो सेठ ने अपने गुल्लक से निकाला, कितना पैसा देगा, इसका दुगुना, तो इसका दुगुना कितना रुपए दिया, 4 रुपए दिया, ठीक है देता गया।
उसके बदले में इसको देखो, सेठ को अभी कितने लाख मिल गए हैं, 3 लाख रुपए मिल गए हैं 3 दिन में, और इसके कितने रुपए खपत हुए हैं, 4 2 6 और केवल 7 रुपए भाई, और 3 लाख मिल गया। अगले दिन आया है ना, चौथे दिन आया, तो चौथे दिन इसको कितना रुपए है, उसने केवल 8 रुपए का सिक्का दिया और उसको मिल गए 1 लाख। फिर अगले दिन आया, पांचवें दिन आया, तो पांचवें दिन उसने उसको 16 रुपए दिए, फिर 1 लाख मिल गया। इसका तो कमाई भयानक हो रहा है भैया, 1 2 3 4 5 पांच दिन में 5 लाख और 16 रुपए, मात्र 16 रुपए खपत। फिर अगले दिन आया तो 32 रुपए, 1 लाख फिर मिला। फिर अगले दिन कितना आएगा, 64 रुपए, फिर 1 लाख मिल गया। फिर कितना हो गया, 64 का दुगना करेंगे, 4 2 8 और 6 2 12 128 रुपया। फिर करेंगे, ये हो गया 9वें दिन भैया, 9वें दिन में उसको कितना मिला, यहाँ पर देखिए 8 2 16 करेंगे, 2 2 4 और 1 5 और ये 56, 1 लाख तो उसको मिल ही रहा है। ये देखो कितने लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे बापरे 9 लाख रुपए इसको अभी मिल गया, केवल कितने दिनों में, 9 दिनों में, और खपत कितना हुआ है, इन सभी को जोड़ेंगे भाई, ऐसा नहीं कि 256 रुपए इतने रुपए और खर्चा हुआ है, चलो हम ये मानते हैं कि उनका लगभग 500 रुपए खपत हो गया। अरे 500 रुपए देकर 9 लाख रुपए का फायदा, सेठ बड़ा खुश। अब आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा उनका शांति भंग हो रहा है कैसे। अब देखिए 10वें दिन जैसे ही आया तो उसको कितना रुपए देगा वो सिक्का, कितने रुपए देगा, नियमतः इसका हम दुगुना कर दें तो ये हो जाएगा 6 2 12 5 2 10 11 और 2 2 4 5, ये हो जाएगा 512 रुपए वो उसको देगा। उसके बदले 1 लाख रुपए मिलेगा भी ना, बड़ा जोरदार है उसको 1 लाख रुपए तो मिल ही रहा है। 11वें दिन की बात करते हैं, 11वें दिन में कितना होगा, दुगुना कर दो, 2 2 4 है ना, 2 और 5 2 10 1024 रुपए दिया और 1 लाख मिला। कितना फायदेमंद है भाई, सेठ तो एकदम खुश है भाई, अभी भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर उसने थोड़ा सा जहमत उठाया होता गुना करने का, गुना कर लेना था भैया, क्या आ जाता है, कैलकुलेटर नहीं है तब भी हम गुना कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर इसने गुना नहीं किया। फिर 12वें दिन 4 2 8 2 2 4 2048 रुपए दिया और 1 लाख रुपए लिया। फिर क्या किया इसका, 13वें दिन की बात करते हैं, 13वें दिन 8 2 16 4 2 8 और 1 9 है ना, 0 और 2 2 4 4096 रुपए दिया, लेकिन लिया कितना, 1 लाख। ठीक है, फिर अगले दिन की बात करते हैं। आप देखिए उनका अभी तक वो तो खुशी है ना, 14-15 दिन तक तो एकदम खुशी रहेगा, क्योंकि तो अभी तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है ना इनको, देखिए ना। अगले दिन क्या हुआ, 14वें दिन की बात करते हैं, फिर इसका दुगुना, 6 2 12 9 2 18 1 19 यहाँ पर लगा देंगे और 4 2 8 हो गया 8192 रुपए, लेकिन लिया कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 15वें दिन क्या होता है, इनका कुछ शांति भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनको टेंशन आ रहा है कि नहीं, टेंशन तो इधर आएगा भैया। अभी देखिए 15वें दिन की बात करते हैं, ये हो जाएगा 15वें दिन, इसका दुगुना रुपए देगा, ये याद रखिए, ये रुपए है और ये लाख में है, तो 2 2 4 9 2 18 8 हासिल 1 है ना, 2 1 2 और 1 3 और 8 2 16 ये हो गया 16384 रुपए दिया और 1 लाख लिया, 1 लाख अंदर, वाह वाह। फिर क्या हुआ इसका 16वें दिन, देखिए अब इसका 16000 तो हो रहा है भैया, जैसे ही 16वें दिन आया तो इसका दुगुना करते हैं, ये देखिए यहाँ पर 4 2 8 8 2 16 का 6 हासिल 1 3 2 6 हासिल 1 करके 7, ठीक है, यहाँ पर तो हासिल नहीं आया, फिर 6 2 12 ठीक है हासिल 1 2 1 2 और 1 3। अब यहाँ से सेठ का थोड़ा सा टेंशन चालू होना प्रारंभ हो गया। यहाँ पर तो 1 लाख, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कितना, यहाँ पर 7 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 लाख यहाँ पे मिला, ठीक है, और 7 और 9 यहाँ पर देखिए 9 और 7 कितना हो गया टोटल, अभी कितने लाख हो गए इनके पास, अभी तो इनको केवल 16 लाख मिले हैं और इनके कुछ ज़्यादा पैसे अभी तक खर्च नहीं हुए हैं, है ना। अब देखिए 16वें दिन उनका 32768 रुपये जब उसने दिया, ठीक है, तब लगा कि अब कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाला है, थोड़ा सा टेंशन में आ गया, ठीक है। फिर उसने अगले दिन फिर देखा, अब यहाँ पर देखते हैं भैया इनका शांति भंग कैसे होता है, इसको टेंशन आया कि नहीं कैसे। अब देखिए अगले दिन जब ठग आया 17वें दिन, ये 17वें दिन ना सेठ की आंखें खुली, काश मैंने गुना कर लिया होता, देखा
टेंशन चालू हो गया, 17वें दिन फिर दुगुना देगा, इसका दुगुना करेगा ना, तो 8 × 16, ठीक है, 8 × 16 हो गया, 6 × 12 और 1 = 13, ठीक है, 7 × 14 और 1 = 15, 2 × 4 = 5 और 3 × 6, 65,536 रुपए देने पड़े कब, 17वें दिन, और मिला कितना, 1,00,000। अभी भी टेंशन चालू नहीं हुआ होगा, अभी भी थोड़ा फायदे में है ना, 35,000 का लगभग फायदे में है। अगले दिन क्या हुआ, 18वें दिन, अभी 18वें दिन की बात है, 6 × 12, 3 × 6 = 7, 5 × 10 है ना, 5 × 10 और 1 = 11, और 6 × 12 और 1 = 13। अब समझ आया, ये देखो मिलेगा कितना, 1,00,000, जा कितना रहा है भैया, 1,31,000, ओहो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगले दिन की बात आई, 19वें दिन की बात करते हैं, 2 × 4, 7 × 14, ठीक है, और 2 = 2, 3 × 6 और 2 = 2, अब कैसे, 2,62,144 रुपए, और मिला कितना, केवल 1,00,000 रुपए। अब तो लग रहा है सेठ का दिवालिया निकलने वाला है। फिर इसका दुगुना हुआ भैया, 20वें दिन की बात करते हैं, 2 × 8, फिर 2 × 8, 2 = 1, 2 × 4, 6 × 12 का 2 हासिल 1, और 2 × 4 और 1 = 5, 5,00,000 यहाँ पर करते हैं, 5,24,288 रुपए, और मिला उसको कितना जी, केवल 1,00,000 रुपए। ये देखो दिवालिया चालू। अब केवल और देखते हैं कि उसका दिवालिया कितने दिन में पूरा निकल गया है ना, बात तो हुआ था 30 दिन का, लेकिन जैसे 21वें दिन आया तो 21वें दिन उसने फिर 1,00,000 दिया होगा, लेकिन इसको इसका दुगुना रुपए देना था, तो कितना हो जाएगा, 8 × 16, 8 × 16 = 17, और 2 × 4 = 5, और 4 × 8, और 2 × 4, और 5 × 10। कब, 21वें दिन उसने कितना दिया, 1,00,000, 10,000, कितना, 10,48,576 रुपए दिया, और कितना मिला, 1,00,000। हाँ, चोर भी क्या था, अपने वादे का पक्का था, बिल्कुल 1,00,000 रुपए लाता था और उनसे ले जाता था अपने शर्त के मुताबिक, कोई चोरी नहीं कर रहा ना यहाँ पर। अब क्या हुआ, 22वें दिन की बात करते हैं, 22वें दिन, 6 × 12, 7 × 14 और 1 = 15, 5 × 10 = 11 है ना, 8 × 16 = 17, 4 × 8 और 1 = 9, ठीक है, 0 हो गया, और 2 = 2 करके देखें, 21,00,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, कितना लाख भैया, 20,97,152 रुपए, और दिया कितना उसको, केवल 1,00,000। सेठ का तो समझ आ गया होगा, 20,00,000 दिया उसने कब, 22वें दिन। अब 23वें दिन की बात कर लेते हैं, 23वें दिन उसने कितना दिया होगा, फिर 23वें दिन की बात करते हैं, 2 × 4, 5 × 10 का 0 हासिल 1, 2 = 2 और हासिल 1 करके 3, 7 × 14 का 4 हासिल 1, 9 × 18 और 1 = 19, 19 आएगा, और 2 × 4 कितना, 21,00,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, ओहो कितना, 41,94,304 रुपए दिया कब, 23वें दिन, ठीक है। तब सेठ को लगा कि अरे भैया गए, मेरा तो पूरा दिवालिया ही निकल गया, मैंने जितना पूंजी कमाया रहा होगा अपने जीवन में वो तो मेरे 23 दिन में ही खत्म। तो आप लोगों ने देखा ना कि सेठ का पूरा पूंजी खपत हो गया, खत्म हो गया पूरा, कितने दिनों में, 23 दिनों में, और इन 23 दिनों में उसे कितने रुपए मिले, यहां पर मिले थे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लाख। इसके अलावा उसको और कितने सारे पैसे देने होंगे, आप सबको जोड़ेंगे ना तो आप सोचोगे कि कितना सारा उनको रुपए देना पड़ा होगा। तो समझ आया ना, एक छोटी सी गलती उसने किया कि उसने गुना नहीं किया, काश उस सेठ ने गुना कर लिया होता तो आपको समझ आया होगा कि जिसको हम छोटी छोटी चीज समझते हैं वो भी कितनी बड़ी चीजें बन जाती है। इसलिए गणित की सारी संक्रियाओं को बहुत ध्यान से सीखे और अपने लाइफ में इनका उपयोग जरूर करें। नहीं चल छोड़ दिया, सर ने कोई गणित दिया तो क्या इसका उपयोग करें, है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गणित छोटा हो या बड़ा हो, है ना,
उसको हमें क्या करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए और उसे बनाकर देखना चाहिए। और अपने जीवन में कभी भी क्या हो, अगर उसका उपयोग होता है तो हमें गणित का पूरा पूरा क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, और आपने ध्यान से देखा होगा तो गणित के महत्व को जरूर समझा होगा। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर दिखाएंगे, और हाँ आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उसको तो जरूर दिखाइएगा, ताकि वो भी गणित की छोटी सी संक्रिया, गुणा की संक्रिया का महत्व समझ सके और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और हाँ, बगल में आपको तो जबरदस्त वीडियो दिखा दे रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे इस वीडियो के नीचे में आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।